400 फीट की ऊंचाई से बेटे को गिरता देख सनी देओल की हुई थी ऐसी हालत। इंटरव्यू में किया खुलासा। देओल खानदान की तीसरी पीढ़ी अब बॉलीवुड में कदम रखने को तैयार है। सनी देओल अपने बेटे करण देओल को पल पल दिल के पास फिल्म से लॉन्च करने जा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन वो खुद कर रहे हैं। हाल में एक इंटरव्यू के दौरान सनी ने बताया कि एक सीन में 400 फीट की ऊंचाई से अपने बेटे को गिरता देख उनकी हालात कैसी हो गई थी। मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में सनी देओल ने बताया कि जब उन्होंने बेटे करण को स्टंट परफॉर्म करते हुए देख वे घबरा गए थे। सनी ने करण को फिल्म में एक मुश्किल स्टंट सीन करने के लिए कहा था, लेकिन जब करण 400 फीट की ऊंचाई से गिरे थे तो सनी देओल इतना नर्वस हो गए कि उस सीन को रिकॉर्ड तक करना भूल गए थे। सनी देओल ने कहा कि निर्देशन करना वाकई एक तनाव भरा काम है और खासकर अगर यह आपके बेटे का डेब्यू है तो चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। सनी ने बताया कहा कि मैं अपनी जनरेशन में पहला हूं जिसे लॉन्च किया गया था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बेताब के दौरान मेरे पिता धर्मेंद्र किन चीजों से गुजरे होंगे। बीते दिनों सनी देओल की वजह से ही कोविड में फंसी पंजाब की एक महिला भारत लौट सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब की रहने वाली वीना किसी वजह से कोविड में फंस गई थी। ऐसे में महिला के परिजनों ने सनी देओल से उनकी मदद करते हुए उन्हें वापस भारत लाने की गुहार लगाई। सनी देओल ने भी इस मामले में फुर्ती दिखाते हुए भारतीय एम्बेसी के सहयोग से उस महिला को कुवैत में ढूंढ निकाला, जिसके बाद वह महिला वापस भारत आ गई। सनी देओल की मदद से वीना के परिवार वाले बेहद खुश हुए।